आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप WhatsApp पर जो वन टाइम फ़ोटो आपको सेंड की जाती है उसका आप स्क्रीनशॉट किस तरीके से ले सकते हैं या फिर इसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमें वन टाइम फ़ोटो मिली है और यहाँ पे तो मतलब जो नॉर्मल फ़ोटो होती है उस तरीके से नहीं। अगर मैं इसे एक बार क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब इसे हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो गई। अब मैं इसे वन टाइम ही देख सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अब मैं इसे दो तीन बार देखना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली ये वन टाइम है। तो अब आप इसे सेव किस तरह से करोगे या फिर स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ओके कर देंगे। अब यहाँ पे शायद आपको स्क्रीन पर कुछ शो नहीं होगा। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं तो कुडंट सेव स्क्रीनशॉट लिखा आता है, टेकिंग स्क्रीनशॉट इजंट अवेलेबल ऑन ऐप्स। और यहाँ पे आपको जैसे मैंने इस फोटो को ओपन किया, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर भी हमारा काम नहीं करेगा, यहाँ पे स्क्रीन आपको ब्लैक शो हो जाएगी। तो एक तो आपके फ़ोन के अगर सिस्टम में कोई एप्लीकेशन इस तरीके से है जो कि स्क्रीनशॉट निकाल सकता है, ठीक है, रूट वगैरह अगर आपने डिवाइस को कर रखा है तो वो हो जाएगा, ठीक है, उस केस में आपका ये हो जाएगा। बाकी अगर आपका स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, यही दिखा रहा है, देन आपको दूसरे फ़ोन से ही एक फ़ोटो ले लेनी होगी, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो आप दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ ट्राई कर सकते हो, जैसे आपके प्ले स्टोर में काफ़ी सारे मिल जाएंगे। बाकी आप पे काफ़ी सारे जो है ब्लैक स्क्रीन ही देंगे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डर लिखेंगे तो यहाँ पे कई सारे आ जाएंगे, इनके थ्रू आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हैं। बाकी जब आप इस इमेज को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से बैक नहीं आना है, या फिर अगर आप बैक आ जाते हैं तो बार बार आप इस जो भी फ़ोटो होगी वन टाइम वाली उसे आप ओपन नहीं कर सकते। जैसे आप एक बार ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगी, फिर आप उसे नहीं देख सकते।